दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेटा गोल्ड कॉइन के बारे में। तो जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये जो है आपका कुछ विजुअल चल रहा है मेटा गोल्ड का, तो इससे आप समझ गएंगे कि बेसिकली ये जो है आपका वर्चुअल रियलिटी पर होने वाला है और बेसिकली गेम पर आधारित है, जहाँ पर आप गेम को खेल के जो मेटा गोल्ड कॉइन है उसे अर्न कर सकते हो। तो इसमें गेम डिफरेंट टाइप से डेवलप किए जाएंगे, जैसे आपका 2D गेम हो गया जो कि चल रहा है, और 3D गेम जैसे आपका फुटबॉल हो गया, उसी के साथ साथ रेसिंग हो गया, वहाँ पर आप सिंपली खेल के मेटा गोल्ड कॉइन को जो है अर्न कर सकते हो, जिसे हम बोलते हैं प्ले टू अर्न गेमिंग। अब दोस्तों थोड़ा नीचे की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो है इस पे मतलब फीचर किया गया है। बिट एक्सप्लोर हो गया, न्यूज़ मार्केट कैप हो गया, क्रिप्टो फिनेक्स, BNBC, डेली BSC और क्वाइन 360। अब जो मेन चीज़ है इस मेटा गोल्ड क्वाइन का वो है आपका अनरियल इंजन। तो जो भी गेम इस पर डेवलप किए जाएंगे वो आप समझ सकते हो हाइपर रियलिस्टिक गेम रहेंगे, क्योंकि बेसिकली बनाया जा रहा है अनरियल इंजन पर। तो जो भी गेम इस इंजन से बनाए जाते हैं वो काफ़ी हाइपर रियलिस्टिक रहते हैं और क्लोज टू नेचर आपको देखने में बिल्कुल लगेगा। तो वही चीज़ नीचे लिखा हुआ द अल्टीमेट वर्चुअल रियलिटी हाइपर रियलिस्टिक, और नीचे देख सकते हैं हैशटैग मेटावर्स। और अभी हाल फिलहाल में जो है आपका मेटा गोल्ड है वो बाइनेंस चैन पर भी, बाइनेंस चैन एक्सप्लोरर पर भी लिस्ट कर दिया गया है, जो कि इसको काफ़ी अच्छा जो है एक पोटेंशियल वाला दिखाता है फ्यूचर के लिए। अब यहाँ पर नीचे देख सकते हो लिखा हुआ है मेटा गोल्ड इज द फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड MMORPG इन वर्चुअल रियलिटी विद रियलिस्टिक ग्राफिक्स बिल्ट ऑन अनरियल इंजन क्रिएटेड एंड ओन्ड बाय इट्स यूजर्स। इट इज यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म दैट विल कनेक्ट गेम्स, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस एंड वर्चुअल रियलिटीज। तो इस चीज़ से समझ सकते हो कि ये बेसिकली वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड होने वाला है, और इसमें RPG गेम्स भी आपको फ्यूचर में मिलेगा। अब दोस्तों थोड़ा नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी जो है इसका प्री सेल चल रहा है, प्री सेल राउंड वन जो है अभी चल रहा है, कंटिन्यू है। देख सकते हो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए ऑप्शन दिया है, और अभी प्री सेल राउंड टू आना बचा, उसी के साथ साथ प्री सेल राउंड थ्री भी आना बचा हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ से सिंपली क्लिक करके पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इसको भी मैं बताऊँगा कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है। तो थोड़ा सा नीचे जाके हम देख लेते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली इसके जो भी आपका टर्मिनोलॉजी बोल सकते हो चीज़ दिया हुआ है, इसका नाम मेटा गोल्ड है, सिंबल वगैरह, और जो सप्लाई देख सकते हैं सप्लाई जो है इसका 27 करोड़ का टोटल सप्लाई है, और सर्कुलेटिंग आप देख सकते हैं 24 करोड़ का जो इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई दिया हुआ है। तो बेसिकली आप इस चीज़ को आप समझ लेना, ऊपर ऊपर आपको जो भी मैं बता देता हूँ। और थोड़ा नीचे चलते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो कि कौन कौन से मतलब फील्ड में जो है इसका यूज होगा, ब्रांडिंग, सोशल, प्रोफेशनल क्वाइंस, सेल एंड बाय प्रोडक्ट, ये सब भी जो है इसमें आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। अब नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ होगा वो दिखाया हुआ है। परचेस लैंड, यहाँ पर आप लैंड वगैरह परचेस कर सकते हैं NFT वगैरह को यूज करके, अपना जो भी है आपने वहाँ पे बाय किया उसको आप रेंट पर रख सकते हैं, लीज पर भी रख सकते हैं प्रॉपर्टी को, उसके साथ साथ जो भी इसका जो एक इन्वायरमेंट रहेगा वहाँ पर अपने एडवर्टाइजमेंट को भी चला सकते हैं, और इसका खुद का मार्केट पहले से भी रहेगा। तो ये चीज़ ऊपर ऊपर दिया हुआ है। अब दोस्तों नीचे की ओर देखते हैं तो यहाँ पर बेसिकली जो मैंने आपको ऊपर बताया था प्ले टू अर्न गेमिंग है, कॉम्बैट सिस्टम मतलब फाइटिंग वगैरह गेम भी लॉन्च करेगा, अनराइवल्ड ग्राफिक्स मतलब काफ़ी हाइपर रियलिस्टिक ग्राफिक्स रहेगा, उसी के साथ NFT मिल जाएगा आपको। अब दोस्तों बेसिकली ये तो आपने जान लिया कि इसका क्या क्या चीज़ मतलब यूज केस होने वाला है, और अभी प्री सेल वगैरह चल रहा है, और क्या क्या जो है इसमें हम कर सकते हैं, ये सब चीज़ तो आपको पता लग गया। अब दोस्तों ये चीज़ जान लेते हैं कि आप इसमें जो है जो अभी प्री सेल चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो। तो बेसिकली मैं पहले सब क्लोज कर लेता हूँ। अगर आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है ना, तो मैं वाइट पेपर का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ जाकर आप डिटेल में इसे पढ़ सकते हो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। दोस्तों इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है पार्टिसिपेट करने के लिए। पार्टिसिपेट पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो है कुछ इस टाइप से ओशियन ग्लोबल का एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको जो है कनेक्ट करना है। जैसे आप मान चलो कि आप मेटामास्क वॉलेट यूज कर रहे हो, तो आप यहाँ पर क्लिक करके मेटामास्क वॉलेट चूज़ करते हो। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पर अपना ट्रस्ट वॉलेट ही चूज़ किया हूँ, तो उसको मैं ये आपका QR कोड आ जाएगा। चलो एक बार इसको फिर से ओपन करके दिखा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सिंपली आपको वॉलेट कनेक्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप फर्स्ट टाइम क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर पहला आ जाएगा आपका मेटामास्क वॉलेट, और सेकेंड आ जाएगा वॉलेट कनेक्ट। तो आपको जो है वॉलेट कनेक्ट यूज़ करना है, क्योंकि मैं बेसिकली ट्रस्ट वॉलेट से बताने वाला हूँ। इस पर आपको क्लिक करोगे QR कोड आ जाएगा, देन आपको जो है आपके मोबाइल में जाना है। मोबाइल में जाओगे वहाँ पर आपको अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन करना है, और लास्ट जो ऑप्शन है आपका राइट आपका कॉर्नर में नीचे की ओर है ना, उसको आप क्लिक करना,
और स्कैन क्यूआर कोड में क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको जो है यहाँ पर प्लेस करके इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना और वहाँ से ऑथराइज कर देना, तो आपका जो है कनेक्ट हो जाएगा। तो देखो मेरा जो है फाइनली यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर जो है प्री सेल का आप डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो, तो इसे हम लोड हो जाने देते हैं। नीचे आप देख सकते हो कि कितना अभी जो है BNB रजिस्ट हुआ है, 218 BNB का जो है अभी तक बाय हो गया है। तो बेसिकली इसको अगर बाय करना है तो मिनिमम जो है 0.1 BNB का बाय कर सकते हो, मतलब इंडियन करेंसी में हो गया आपका 2200 रुपये के आसपास। तो बाय टोकन करने के लिए आपको जो है ट्रस्ट वॉलेट में पहले से BNB या फिर स्मार्ट चेन BNB होना चाहिए, तभी जाके आप इसे बाय कर पाओगे। तो दोस्तों अभी जो है इसका जो पहला प्रीसेल है वो आपका अभी 9 दिन और चलेगा, उसका मैं आपको टाइमिंग दिखा देता हूँ। 9 दिन 10 घंटा 24 मिनट 12 सेकेंड, तो अभी 9 दिन और जो है प्री सेल का फर्स्ट राउंड चलने वाला है, तो आप इसमें चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको मैंने प्रोसेस बता ही दिया है। तो चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है मेटा गोल्ड वर्ड्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा और आप जो है इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे तो कर सकते हैं। सजेशन मेरा ये है कि इसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है क्योंकि इसका सप्लाई जो है काफ़ी कम है, क्योंकि जनरली क्या होता है जब भी कोई कॉइन लॉन्च होता है ना तो उसका जो सप्लाई है अनलिमिटेड रख दिया जाता है, जिससे जो है ना क्वाइन में ट्रस्ट जो है कम हो जाता है। चलो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन साथ। तब तक के लिए गौरव कुमार मेहता नमस्कार स्वीकार कीजिए। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।